नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। आपको बताइए कि इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, जिसकी शुरुआत रूलिंग पार्टी ने अपनी पहली सूची में 195 प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद कर भी दी है, जिसमें से एक सीट है लोकसभा फतेहपुर सीकरी, काफी हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ से काफी VIP कैंडिडेट भी यहाँ पर लड़ते हैं। इस बार भी यहाँ पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इस सीट पर शुरुआत से ही काफी लंबी कतारें थी टिकट लेने के लिए, लेकिन जैसे ही जो वर्तमान सांसद राजकुमार चौहान, उन्हें यहाँ से दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया है, तभी से लेकर क्षेत्र की जनता में काफी ज्यादा विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही सबसे पहले जो टिकट की लाइन में थे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, उन्होंने उनके खिलाफ पर्सनली पार्टी की बगावत ना करते हुए मोर्चा खोला है और उन्होंने 6 मार्च को भी अपने समर्थकों के साथ पार्टी तक संदेश पहुंचाया। लगभग हजारों की संख्या में भीड़ उन्होंने जुटाई थी और विचार विमर्श के लिए अपने समर्थकों को बुलाया था और साथ ही आज वो अपने कॉलेज से तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ जगनेर में स्थित ग्वाल बाबा के दर्शन करने के लिए यहां आए हैं। इस दौरान उनका जगह जगह काफी उत्साह के साथ उनके समर्थकों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत सम्मान किया है और लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में आइए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की है। आखिरकार चुनाव मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे, तमाम सारी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी। क्या लग रहा है इस बार आप भी लोकसभा की टिकट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लाइन में थे, लेकिन अब प्रत्याशी की घोषणा हो गई, अब यहाँ से आगे आपका क्या कदम है? लगातार देख रहे हैं जनता तो विरोध कर ही रही है और आप भी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय किया 2 मार्च को जो सूची आई, उसमें 195 लोगों की सूची आई और कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी में जनाक्रोश तेजी के साथ उभर रहा है और लगातार वो जनाक्रोश एक व्यक्ति विशेष के है। जो व्यक्ति किसी के दरवाजे गया नहीं, जिस वो व्यक्ति ने वोट नहीं मांगा गांव गांव जाकर, और मोदी जी की आंधी लहर में और वो लोकसभा की सीढ़ियाँ चढ़ गए, लेकिन 5 साल का समय लंबा समय होता है, 5 साल का, 5 साल का समय बीत गया, लेकिन उन्होंने जनता की कहीं कोई सुध नहीं ली, जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, जनता की खुशी में भी शामिल नहीं हुए और विकास कार्य की तो बात बेईमानी है। तो जब इस तरीके की बात होंगी, जनता के दुख दर्द में कोई जनप्रति नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति में जनता का आक्रोशित होना स्वाभाविक है और जनता का ये आक्रोश ही दिखाई दे रहा है जो सड़कों पर आपको दिख रहा है। लगातार हमने देखा 6 मार्च को जो आपने एक पंचायत बुलाई थी अपने कॉलेज में, काफ़ी संख्या में आपके समर्थक आए, आज भी काफ़ी काबलों के साथ, गाड़ी के काबलों के साथ आपके साथ ग्वाल बाबा के दर्शन करने के लिए आए। जनता तो एक मत होकर चाह रही है कि आप चुनाव मैदान में आए, लेकिन आप फैसला कब लेंगे? नहीं देखिए, मेरे अकेले फैसले से अगर मैं कह दूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो, लेकिन वोट तो जनता जनार्दन देने वाली है, जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, जो पंचायत का फैसला होगा, वही अंतिम होगा। तो मेरे अकेले निर्णय करने से कोई स्थिति नहीं बनती, निर्णय की स्थिति जो बनेगी वो पंचायत के माध्यम से बनेगी। तो जो 7 दिन का समय था वो लगभग कल पूरा होने वाला है और उसके बाद जो तिथि निर्धारित होगी तो बड़ी पंचायत के लिए, तो बड़ी पंचायत का आयोजन करेंगे और जो पंचायत का निर्णय होगा, पंचायत कहेगी घर बैठो अपने, घर बैठ जाएंगे, पंचायत कहेगी चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ेंगे, जो भी पंचायत का निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। जनता लगातार मांग कर रही है कि भैया आप निर्दलीय चुनाव में आइए, क्या लग रहा है कि अगर निर्दलीय आप चुनाव मैदान में आते हैं तो आपको भी पता है, आप भी लगातार पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं बिल्कुल एक्टिव होकर आप पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजना है, आप अपने आपके पिताजी विधायक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता तक पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किसी न किसी गाँव में आपको हर दूसरे दिन शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए भी देखा जा रहा है, तो आपने पार्टी की जो भी जन कल्याणकारी योजना है जनता तक पहुंचाई है, क्या लग रहा है आपको? अगर आप, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, अगर निर्दलीय चुनाव मैदान में आते हैं तो पार्टी से आप टक्कर ले पाएंगे? नहीं देखिए, निर्दलीय रूप से मैं लोकसभा का चुनाव 1998 आगरा लोकसभा थी तो आगरा लोकसभा से लड़ चुका हूँ और मैं इतना भारी भरकम समर्थन मुझे मिला कि मैं लगभग 2 लाख वोट पाया, 1,99,000 वोट में पाया, तो 1,99,000 वोट पे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से मैं हारा। लेकिन जब इतने बड़े वोट में आज से 25 साल पहले चुनाव लड़के ले चुका हूँ तो आज परिस्थिति दूसरी है। तो ऐसा नहीं है जो जनता का जनादेश होगा, हार जीत जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो सब ऊपर वाले के हाथ में है और जनता जनार्दन के हाथ में,
तो जनता जनार्दन, जनता को भगवान कहते हैं, तो भगवान के जो हाथ में होगा वो मंजूर है। कब लेंगे फैसला? नहीं, और कितना समय बचा है फैसला लेने में? फैसला पंचायत लेगी, पंचायत का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा और उसको सर्वोधार्य होगा। अब कब कर रहे हैं पंचायत और कहाँ कर रहे हैं? जल्दी उसकी आपको तिथि बता दी जाएगी और आप भी उसमें शामिल रहेंगे। जनता के लिए और अपने समर्थकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं अपने जनता जनार्दन को और समर्थकों और साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि जब भी तिथि आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से अगर सूचना उनके पास पहुंचती है तो भारी तादाद में वो अपने जो भी उनके काम चल रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में खेती किसानी का काम चल रहा है, उस काम में भी समय छोड़ के थोड़ा सा और वो उस पंचायत में सहभागीदारी करेंगे और जो निर्णय वो करेंगे वो निर्णय काम सुधार करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।